रहे हैं आपको कितना पिकअप लेती है, प्लस स्पीड कितनी, हाई स्पीड चलती है जी। और अभी डबल बैठे हैं, पीछे एक और बैठा है मेरा जो कैमरामैन, जो कैमरा अभी पकड़ रखा है इनके हाथ में। और अभी आपको फुल स्पीड दिखा देते हैं हमारी गाड़ी की फुल स्पीड कितनी है, ठीक है। जैसे सब लोग बोल रहे थे सर मेरी गाड़ी तो 20-25 चलती है, लेकिन यहाँ पे देखें मेरी ये गाड़ी जो है 45-50 किलोमीटर पर आवर चलेगी। तो यहाँ पे मैं फुल स्पीड कर रहा हूँ इसकी, अभी देखें 41-42 पहुँच गई गाड़ी है, 43 किलो चल रही है। और अभी एक्चुअली घाटी पे चल रहे हैं, थोड़ी सी घाटी जैसे स्लो मार्केट स्लो रोड आएगा, तो ये अभी देखो 44 फुल बता रही है डबल बैठ के, है ना, डबल बैठे हैं। इसके बाद इसकी हाई स्पीड जो 44 चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया अंदर देखें बैटरी का एक डंडा भी कम हो गया है, और जैसे स्लोप जाएंगे इसकी स्पीड 45 करीब हो जाएगी। अभी देखें यहाँ पे ढलान हो गई है, तो अभी ये ढलान में स्पीड कुछ पकड़ेगी, क्योंकि डबल बैठे 46-47 अभी स्पीड देखें आप, कहने का मतलब 45 इसकी स्पीड आप बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखें अब यहाँ पे स्पीड देखा थोड़ी सी, ये फुल स्पीड 49-50 करीब इसने कवर करी है ना, तो ये इसकी हाई स्पीड है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी डबल बैठकर गाड़ी को हम ड्राइव कर रहे थे, इसमें मैक्सिमम स्पीड हम 49-50 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसने गाड़ी ने कवर करने का प्रयास किया, और वैसे एवरेज देखा जाए तो 44-45 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमको देखने को मिली डबल बैठकर ड्राइव करते हैं। तब अभी हम हमारी बाइक को ले जा रहे हैं पहाड़ी एरिया में, मतलब घाटी को चढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था सर ये घाटी भी चढ़ती है, नहीं यही पहाड़ी एरिया आप चला के बताइए। तो अभी देखें हम पहाड़ की ओर जा रहे हैं अभी बाइक को लेके, अभी घाटी पर चढ़ाएंगे इसको, आपको पूरा दिखेगा लाइव। पीछे से मेरा छोटा भाई है और एक मेरा कैमरा मैन है, वो मेरे कवर कर रहा है, मतलब शूट करेंगे वीडियो को। और मैं अभी घाटी की ओर जा रहा हूँ बाइक को लेके, वहाँ पे आपको दिखेगा पहाड़ पर चलती है कि नहीं चलती है, और दूसरी बात स्पीड हमको कितनी मिलेगी वो आपको अभी लाइव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो भी क्वारीज कमेंट थी वो सभी इस वीडियो में आपको सॉल्व हम करने का प्रयास करेंगे। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं वो ऑप्टिमा HX हीरो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है, ये स्कूटी है, और अभी हम पहाड़ की ओर चल रहे हैं। आप देखें मैं पहाड़ आगे चल रहा हूँ और मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ बाइक को, स्कूटी को। अभी मेरा पीछे भाई, मेरा जो भाई है वो कवर कर रहा है इसको। तो अभी हम पहाड़ की ओर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, देखें मैं बिल्कुल स्पीड ले आ रहा हूँ। वैसे स्पीड मैंने स्लो ही रखी, फिर भी गाड़ी चल रही है, हाई स्पीड में बहुत जल्दी चल जाती है, मुझे लग रहा था नहीं चलेगी लेकिन चढ़ जाएगी। देखें पूरी मैं हिली एरिया पे, पहाड़ी एरिया पे चढ़ रहा हूँ, पूरी घाटी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ढलान है, स्लोप है, उसमें कवर कर रहा हूँ इसको, चढ़ा रहा हूँ। देखें तो ये कोई दिक्कत नहीं मेरे को ड्राइव करने में, बहुत ही स्मूथली नॉर्मल जो पेट्रोल बाइक रहती है उस तरीके से चढ़ गई है। सिंगल बैठा हूँ अभी मैं, देखें डबल तो मैंने चेक नहीं किया, तो बहुत ही आसान तरीके चल गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस गाड़ी को पहाड़ी एरिया पे ले जाने में। अब हम पहाड़ी एरिया पहुंच गए, अब अभी आ गए और आपको इसकी हाई स्पीड और ड्राइव करके दिखाएंगे। अभी हमने देखा आपको, हमने स्लोप जो घाटी थी उस पर हमने चढ़ाने का प्रयास किया, चढ़ गई है, उसको कवर कर लिया। अभी हम और पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ड्राइव करके बताते हैं। कुछ आपकी क्वेरीज हैं हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर की, कुछ कमेंट्स हैं, उनके जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पहली ये कि सर ये सिंगल बैटरी है या डबल बैटरी, हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था, तो आपको बता दें ये दोनों बैटरी में आती है, सिंगल में भी आती है डबल में आती है, लेकिन मैंने जो मॉडल परचेज किया है वो सिंगल बैटरी का है, ठीक है। डबल बैटरी थोड़ी सी कॉस्ट आपको बढ़ जाती है, पहला क्वेश्चन ये आपका डबल बैटरी में आती है। और मेरे पास जो मॉडल है वो ऑप्टिमा HX है, ऑप्टिमा हाई स्पीड वाला मॉडल है। तो ये मेरे को हाई स्पीड देखा 50 किलोमीटर पर आवर तक आपने स्पीड अभी देखी आपकी, मैंने स्क्रीन दिखाया हूँ स्क्रीन। और हमारे व्यूअर ने बोला था सर मेरे पास जो बाइक है वो 27 किलोमीटर पर आवर करीब स्पीड दिखा रही है, तो आपके पास LX मॉडल होगा, LX मतलब लो स्पीड वाला मॉडल होगा, इसलिए वो 20-30 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेरे पास HX मॉडल है, इसलिए आपको हाई स्पीड का यहाँ पे मैंने दिखाया, सिंगल बैटरी डबल बैटरी का, वो डबल बैटरी है। और हमारे एक और व्यूवर का ये था सर ये बैटरी जो है वो कितने AH की है, मतलब कितने किलोवाट, उन्होंने पूछा था लेकिन पूछ नहीं पाया AH की है। तो मैं बता दूँ मेरी बैटरी जो इस बाइक में मैंने देखा है 51.2 वोल्ट एंड 30 AH की बैटरी लगी हुई है, जिसकी 3 साल की कंपनी वारंटी देती है, चार्जर की देती है। इसमें BLDC मोटर है जो पीछे वाले बेल में लगी हुई है, उस मोटर की चार्जर की बैटरी की 3 साल की कंपनी वारंटी देती है, ठीक है। दूसरा एक और हमारे व्यूअर ने पूछा था कि सर ये एक बार चार्ज करने में कितनी पावर कंज्यूम करती है, कितनी बिजली खपत होती है। तो कंपनी ने 1.5 यूनिट का बोला है, लेकिन हम यदि हम 2 यूनिट भी मान चलें फुल चार्ज में, 4-4.5 घंटे लगते हैं फुल चार्ज में, यदि 2 यूनिट भी पावर कंज्यूम होगी और 10 रुपये पर यूनिट हम लगाएं तो 20 रुपये हमारी फुल चार्ज हो जाती है, और 80-85 किलोमीटर ये वन चार्ज पर चलती है, तो कोई घाटे का सौदा हम नहीं बोल सकते, अच्छी है। दूसरा एक और हम कुछ क्वेरीज है सर, इसमें सब्सिडी किन स्टेट्स में मिलती है, आप किस स्टेट में है? तो मैं MP में रहता हूँ, और ये सभी गवर्नमेंट सभी स्टेट में अभी सब्सिडी दे रही है सभी को, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर किसी स्टेट में नहीं, सभी स्टेट में आपको सब्सिडी देखने को मिलेगी।
दूसरा ये है कि कुछ और इंक्वायरी भी है कि सर ये आपने सब्सिडी लेस करके 67,500 मिली है या इंक्लूडिंग सब्सिडी, तो इसकी मैं बता दूँ एक्चुअल कॉस्ट तो 90,000 प्लस है अभी सिंगल बैटरी में, लेकिन सब्सिडी लेस करके जो सब्सिडी मुझे मिली है 23,040 रुपये की सब्सिडी लेस करके 67,500 में मुझे ऑन रोड यह पड़ी है, ठीक है। दूसरा कुछ और एक और कमेंट थी कि सर ये इसको RTO लाइसेंस और RTO रजिस्ट्रेशन करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये हाई स्पीड है और हाई स्पीड बाइक जो है उसको RTO की रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरी है और मैंने इसको रजिस्ट्रेशन करा दिया है, मेरा नंबर भी आ गया, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में नंबर लगा हुआ है, नेम प्लेट मैंने बनवा ली है। तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया, फिर भी आपको डाउट है कोई क्वारी है कोई मुझे चाहते हैं क्वेश्चन तो पूछे उनका जवाब हम देंगे। तो बहुत ही बढ़िया स्मूथ चल रही है गाड़ी सिंगल यूज पे, अभी हमने पूरा पहाड़ी एरिया में इसको ड्राइव किया, घाटी पे मैंने चलाया, डबल बैठ के हमने ड्राइव किया तो कोई दिक्कत नहीं आई। अभी हम इसको वापस अब हम आ रहे हैं पहाड़ी एरिया से वापस डाउन हमारे घर की ओर, तो आपको लाइव दिखाने का प्रयास किया हमने कि किस तरीके से गाड़ी परफॉर्म कर रही है और हम तो इससे सेटिस्फाई है, मैं तो सेटिस्फाई हूँ। लोकल एरिया में सिटी में चलाने के लिए तो काफ़ी बढ़िया, एक बार चार्ज कर लो 80 किलोमीटर चलती है, 80 किलोमीटर कोई जाता नहीं है सिंगल डे में, 20 से 25 किलोमीटर ड्राइव करते हैं मैक्सिमम, लॉन्ग ड्राइव करते हैं तब, वैसे तो हम 10-12 किलोमीटर ही चलते हैं पर डे, तो एक बार चार्ज कर लो तो हमारा करीब एक वीक हमारा काम बन जाएगा बढ़िया से, है ना, लोकल में। और एक दिन चार्ज कर लो 4-5 दिन में चार्ज करने की जरूरत नहीं है, और हमारे एक विमान बोला था सर 4-5 दिन यदि लाइट नहीं आई तो ये डिस्चार्ज हो जाएगी, इसमें एक पेट्रोल सिस्टम होना चाहिए, तो 4-5 दिन तो पावर कहीं जाता ही नहीं है। और यदि ऐसा नहीं कि हमारे घर में एक ही बाइक है जी इलेक्ट्रिक जैसी ऊपर बैठे हैं, अभी लॉन्ग ड्राइव करना तो आपको पेट्रोल गाड़ी का ही सहारा लेना पड़ेगा, 200-300 किलोमीटर जाना है तो, जब तक कि इसका चार्जिंग पॉइंट नहीं बने जगह जगह पे, ठीक है, या कोई अदर इसका अल्टरनेट ना मिले हमको, तो घर के लिए लोकल आपको परचेजिंग के लिए मार्केट में जाने के लिए उसके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकती है। आप जितना पेट्रोल जलाते हैं उस पेट्रोल का हम जैसे मान लीजिए कोई सब्ज़ी लेने जाते हैं मार्केट में डेली, या कुछ और अदर जनरल रूटीन का घर का सामान लेने जाते हैं, तो वो पेट्रोल हमारा बच जाएगा और उस पेट्रोल का हम सामान ला सकते हैं। एक यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मेरे को लगा, अभी करीब हमने इसको 300 किलोमीटर करीब चला लिया होगा मुझे लग रहा है, 250 किलोमीटर चल गई थी, तो वहाँ पे देखें तो हमने करीब 6-7 लीटर पेट्रोल बचा लिया है ना, यदि 40 का भी एवरेज माने तो 40×5=200 है ना, तो 5-6 लीटर बचा लिया, तो उसका देखें 110 के हिसाब से मल्टीप्लाई करें 550 रुपये बचा लिए, 550 सब्जी हम परचेज कर लेंगे है ना। आप ऐसे बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली घाटे का सौदा नहीं कहने का मतलब ये है मेरा, और थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा लगी है कुछ बोल रहे हैं सर 67,000 तो बहुत है, 20-25,000 ज़्यादा की नहीं है, तो ठीक है अब 67 की है तो आप चूँकि काम तो वही कर रही है ना आपकी, और धीरे धीरे एक 6 महीने 1 साल चलाएंगे तो आपकी रेट भी कम हो जाएगी, और 3 साल तक तो दिक्कत है ही नहीं है चूँकि कंपनी वारंटी मेंशन करती है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्वेरीज जो आपके हैं मन में डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया, सॉल्व करने का प्रयास किया, फिर भी कोई क्वारीज है कमेंट्स है तो निश्चित पूछें, हम उसके रिगार्डिंग भी इस इलेक्ट्रिक बाइक की और अन्य वीडियोस बना के आपको सॉल्व करके समाधान करके बताने का प्रयास करेंगे, और अन्य मॉडल्स का भी हम आगे आने वाले वीडियोस में रिव्यू करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप भी प्लानिंग कर रहे हैं हीरो इलेक्ट्रिक बाइक परचेज करने की तो निश्चित ही परचेज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलती है, थोड़ा सा ब्रेक का है इसमें डिस्क ब्रेक के तो बेस्ट रहता है, ड्रम ब्रेक है लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है बाइक हमारे हिसाब से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली बार वीडियो के साथ, नमस्कार।